Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So, in the last episode, you will see that there was a battery in Tracy's Labrador. So guys, here was his Labrador Retriever, in that episode, guys, we had some military dangerous evidence that are currently on our case, okay? तो वो तो सब कुछ हम लोगों ने मिटा दिए हैं, लेकिन गाइस मिलिट्री बेस अभी तक जो है उसने कोई भी एक तरह से सफाई दी नहीं है पुलिस वालों को कि किसने वो सबूत मिटाए हैं. फिलहाल अभी दोस्तों माइकल जो है एडिक्ट होता जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों हुक्का पी रहा है एक तरह से. वो अभी जिमी का बार बार शेयर करने लग जाता है और देखो नीचे क्या बोल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अभी जो है बहुत ज्यादा बिगड़ भी चुका है जिमी और यहाँ पर जो है इसकी वाट लग गई है. आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है माइकल जो है अभी बहुत ज्यादा डरा भी हुआ है कि भाई कभी भी उसके पीछे जो है पुलिस पड़ सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है गाइस मिलिट्री वाले ने बता दिया है कि कल कुछ जो है बहुत बड़ा धमाका हुआ है. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 स्टार की पुलिस हम लोग के पीछे पड़ चुकी है. मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी जो है शक्ल और कहीं देखी जाए. तो यहाँ पर गाइस हम लोग जो है स्टेल्थ के कपड़े यहाँ पर हम लोगों ने जो है बाय कर लिए हैं. और गाइस आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है गाइस, वो भी GTA 5 में. और दूसरा, जो भी अगर कोई उससे जीतता है तो उसका मुकाबला दोस्तों फिनाले में होगा, जिसका नाम है हल्क पिटबुल सुल्तान से. ठीक है, तो जो भी दोस्तों यहाँ पर GTA 5 के जितने भी डॉग्स हैं आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी A2I XYZ जितने भी डॉग्स हैं, पग इंक्लूडिंग वेस्टी एंड पॉडल्स वगैरह जितने भी आते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बाहर तो गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कोहरा मचा हुआ है. तो जल्दी जल्दी अभी माइकल दोस्तों बाहर जा रहा है और अभी दोस्तों गन हम लोगों ने अपनी प्रिपेयर कर लेनी है. यहाँ पर दोस्तों एक धमाका बताते ही बता दिया हम लोगों ने कि भाई हम लोग किसी से कम नहीं है. और ये मैंने निकाल लिया गाइस अपनी कारबीन राइफल. अब कारबीन राइफल लेके भाई अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा सेफ है, मुझे बाहर से घेर लिया गया है. अब मैं नहीं लगता कि आज आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता कुछ भी बीच में मेरे कल हो सकता है. अब माइकल के पास वेपन्स और बे गंजे कहाँ देख रहा है दराजा, वो भयंकर गंजे के साथ तीन स्वेट सोल्जर्स आगे से आ चुके हैं. अब गाइस जो मेरा आर्मर है, जो कि आर्मी वाला आर्मर है, वो तो गाइस रखा ही हुआ है मेरे पास, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि उसका जो आर्मर है वो मैंने $2500 का एमिनेशन से खरीद रखा है. तेरी ऐसी की जैसी, निकल यहाँ से बेटा यहाँ से. तो यहाँ पर गाइस आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि भाई मैं आधे से ज़्यादा लाल हो चुका हूँ, मतलब खून काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है ऑलरेडी और मेरे ख्याल से मेरा आर्मर ऑलरेडी फट चुका है. अब यहाँ पर दोस्तों मेरे से नहीं लगता कि मैं ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर सह पाऊँगा, क्योंकि गाइस अब आप लोग देख ही पा रहे हो एक ही बात का मेरे को बस डर है कि गाइस मैं यहाँ पर अरेस्ट या फिर दोस्तों मर ना जाऊँ, क्योंकि गोली अगर मेरे एक भी अंदर लगी आर्मर के तो गाइस बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो सकता है. और ये लोग कारबीन राइफल से मुझे मार रहे हैं तो गाइस इसका भी असर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. माइकल का अल्टीमेट लॉन्चर यहाँ पर आ चुका है. अब भाड़ में जाए जिसकी भी कार हो यहाँ पर, कोई भी खड़ी हो, लेकिन गाइस आप लोग देख पा रहे हो हमें अपनी लैम्बोर्गिनी टेरज़ो को बचाना है, क्योंकि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट कार है GTA 5 की भी, और इन द सेंस वैसे भी देखा जाए तो बेस्ट कंसेप्ट कार है. तो अभी दोस्तों मेरे को जल्दी से ये वाली कार को जो है कैसा ना कैसा करके नीचे लेके जाना है और इसी कार से भाई मुझे भागना पड़ेगा. ठीक है, और जैसे ही हम लोग बच जाते हैं अगर 5 स्टार पुलिस को हटा लेते हैं तो गाइस उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलने वाला हूँ गोल्फ कोर्स पे. वहाँ पे हम लोग जो है मैच करने वाले हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है GTA 5 के अंदर. अबे तुम लोग नहीं मानोगे ना, अब लो बेटा तुम्हारी मैं ऐसी ऐसी जैसी करता हूँ, अभी आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस कि हमारे पास अगर हाथ में RPG लॉन्चर आ जाता है ना तो भाई हम लोग फिर किसी की नहीं सुनते हैं. और यहाँ पर आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि ये जो RPG लॉन्चर हैं उनको मैं कितनी गंदी तरीके से ठोक रहा हूँ, मतलब RPG लॉन्चर अगर मेरे हाथ में है तो पुलिस वाले भाई मेरे सामने ही नहीं आ पा रहे. ठीक है, सबको मैं दोस्तों यहाँ पर जो मार दे रहा हूँ. और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चारा है, क्योंकि लॉस सेंटोस की पुलिस मेरे को छोड़ने नहीं वाली है. हमारे पीछे जो स्टार लगे हैं वो 5 स्टार हैं, यानी कि 5 स्टार यानी फुल वॉन्टेड पुलिस, जो कि दोस्तों हर तरफ से दोस्तों वो बचा हुआ है. ठीक है, अभी कैसे ना कैसे करके दोस्तों माइकल जो है सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप लोगों को क्या लगता है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना इसी सेक्शन में. ठीक है, और देखते हैं आगे सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है. फिलहाल तो दोस्तों हम लोग कार पे बैठ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वाली जो कार की जो सर्विस है वो मुझे आगे तक दे पाएगी. इसमें दोस्तों क्रैश काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे ख्याल से इंजन अगर कहीं सील हुआ तो गाइस हम लोग जो है पार्क हो सकते हैं और वहीं पर दोस्तों माइकल की एंड हो जाएगी मेरे ख्याल से. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस, ये देखो गाइस इंजन सील हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं चल रहा है. अब बात यही है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरी जो कार है वो नहीं चल पा रही है. बाहर से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिख रही है, लेकिन जो इन्होंने भाई दागना शुरू किया आप लोग खुद देख पा रहे हो
कितनी खतरनाक तरीके से मुझे मारी। एक स्वेट सोल्जर ने आके भाई मुझे नीचे फेंक दिया है और उसके बाद गाइस लगातार मेरा आर्मर भी फट गया। ओ तेरी भाई, ओ टाटा बाय बाय, गया भाई माइकल। अब देखते हैं गाइस हम लोग रिपेयर होके कब मिलते हैं। तो ओके गाइस, सर भी घूम रहा है, काफी खतरनाक लगी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों टोटल $5,000 लगे हैं पूरा ठीक होने में। और फिर से दोस्तों माइकल ने यहाँ पर जो है गैंगस्टरगिरी शुरू कर दी है। अब दोस्तों हम लोग के ऊपर पता नहीं केस चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल दोस्तों डॉक्टर ने तो यही बोला है रेस्ट करने के लिए, लेकिन लेस्टर को ये बात अभी तक नहीं पता लगी है। और यहाँ पर दोस्तों लेस्टर ने यानी कि जो अपना फार्मर है उसको बुलवा लिया है, और वहीं से दोस्तों जो है सारे के सारे जितने भी डॉग्स हैं वो भी आ गए हैं। और उसी के साथ साथ गाइस जो है एक तरह से बात और ये है कि कार मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी, और कार चेंज करने के बाद गाइस डायरेक्ट आप लोगों को लेके चलता हूँ गोल्ड कोस्ट पे। वहीं पर दोस्तों एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होने वाली है अमंग्स डॉग्स, ठीक है। ये क्या भाई 8 किलोमीटर, वी जस्ट कॉट हेल्प अप। यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो पिक्चर्स, यानी कि जो मेरी दुकान है उस पर गाइस किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो जल्दी से गाइस वो वाला मिशन करके बस मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं दोस्तों वहीं पर दुकान में पहुँचता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। वहाँ पर जाते दोस्तों जो है ये रहा गाइस वो गुंडा जो है भाग रहा, जो भाई मेरे सारे के सारे वो पैसे लेके भाग रहा था। रिट्राइव द मनी भाई, हम लोगों ने इसके हेड ही हेड दिया, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। और रिट्राइव द मनी हम लोगों को कर लेना, वो बैग पड़ा है। फिलहाल इसको नीचे गिराते हैं, चल भाई नीचे उतर चोर। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने इसको नीचे फेंक दिया है, और साथ ही में वो रहा गाइस बैग। तो हम लोगों ने जितनी भी कमाई की थी पिक्चर्स में, पिक्चर्स हमारी एक शॉप है गाइस, बार टेकिंग रिकवर्ड पिक्चर्स, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने उसको रिकवर कर लिया है। बारिश भी रुक चुकी है, मौसम भी सुहाना हो चुका है। ट्रेवर फ्रैंकलिन एंड लेस्टर एंड फार्मर चारों मेरा गाइस बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं गोल्फ कोर्स पे। वहीं पर दोस्तों फाइट होने वाली है अमंग्स द डॉग। और जो भी दोस्तों डॉग्स हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड है, लैब्राडोर है, रॉटविलर है, पिटबुल है, और साथ ही में दोस्तों उसके साथ साथ तीन और छोटे डॉग्स हैं, पॉडल, वेस्टी एंड दोस्तों साथ में अपना पक। ये 6 डॉग हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हस्की भी है। तो गाइस इन्हीं सबसे मैच होने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं बिल्कुल ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं पहुँच चुका हूँ जल्दी से दोस्तों गोल्फ कोर्स के बाहर वाले एरिया में। और वहीं पर दोस्तों जल्दी से वाली कार को हम लोग ज्वाइन करते हैं पार्क, और वहीं पर दोस्तों फाइट को जो है स्टार्ट करते हैं। और देखेंगे कि पूरे GTA 5 में जितने भी डॉग्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। जल्दी से यहाँ पे पार्क करना ठीक नहीं है, जहाँ पे दोस्तों फाइट है एक पिट में फाइट होने वाली है। और गाइज आप लोगों ने देखा होगा ग्लेडिएटर्स फाइट, ठीक है, जो रोम में पहले हुआ करती थी। तो वो ग्लेडिएटर्स फाइट ऐसी हुआ करती थी कि जो भी दोस्तों मतलब 6-7 ग्लेडिएटर्स में आ जाते हैं, तो ऐसे आप समझ लो ये जितने भी डॉग्स हैं वो सारे ग्लेडिएटर्स हैं। अब ये ग्लेडिएटर्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो है एक साथ लड़ेंगे। जो भी इसमें एंड में विनर होगा वो दोस्तों अल्टीमेट ग्लेडिएटर कहेगा, यानी कि डॉग्स की कैटेगरी में अल्टीमेट डॉग कहलाएगा। और उसका सामना होगा हमारे हल्क पिटबुल सुल्तान से। यहाँ पर लेस्टर भी है, फार्मर भी है एंड ट्रेवर भी है। फ्रैंकलिन मेरे ख्याल से जो हमारे हल्क पिटबुल के पपीज़ हैं उनको संभाल रहा है। आप लोगों ने बोला गाइस उसकी आर्मी बनाने के लिए, आप लोगों ने बोला उनको सेल नहीं करना है, लेकिन नेम जरूर से सजेस्ट कर देना कि हल्क पिटबुल की जो फैमिली है उसका वाइफ का क्या नाम होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं गाइस हम लोगों के पास, सब लोगों ने पोजीशन ले ली है, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे पहले यहाँ पर रॉटविलर ने, चोर ने डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर वेस्टी पर हमला कर दिया, यानी कि शिट्ज़ू पर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर गाइस कि कितना ज़्यादा खतरनाक सीन है। यहाँ पर दोस्तों रॉटविलर छोटे छोटों को सबसे पहले मार रहा है, और हस्की भाई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तुझे उससे मारने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लैब्राडोर ने ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को 2 बार में नॉकआउट कर दिया है। सबसे कमज़ोर डॉग है गाइस ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड GTA 5 का। सेकंड में चलते हैं गाइस वेस्टी, सबसे ओ वेस्टी जिंदा है अभी गाइस, तो 2 अटैक संभाल गई है वो। और यहाँ पर तीसरा चौथे अटैक में गाइस यहाँ पर जो है हस्की ने ट्रेवर के ऊपर अटैक कर दिया है। फिलहाल दोस्तों अभी जो है अपना रॉटविलर वो भी जिंदा ही है। तो सबसे पहला जो कमज़ोर डॉग हमें मिल चुका है वो है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, 2 अटैक पे मर चुका है, और तीसरे अटैक पे गाइस मेरे ख्याल से वेस्टी भी मर चुका है। तो यहाँ पर सेकेंड जो कमज़ोर डॉग है वो है वेस्टी, और यहाँ पर दोस्तों अभी पॉडल बचा हुआ है और पग भी बचा हुआ है। पग को पता नहीं कौन मारेगा, पग भी ऑलरेडी मर चुका है गाइस। यहाँ पर जो है हमारे पिटबुल ने उसे जो है संभाल लिया है, यानी कि डोजो अर्जेंटिनो सॉरी। और पग मर चुका है, रॉटविलर मर चुका है, और साथ में मेरे ख्याल से अभी लैब्राडोर वर्सेस पिटबुल चल रहा है।
तो चलो कोई बात नहीं, बहुत तगड़ी इनकी फाइट भी चल रही है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। तो फाइनली जहां पर आप लोग देख पा रहे हो हस्की ने पॉडल को भी मार दिया है, दो ही शॉट में गाइस पॉडल के खून आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो तीन शॉट हो चुके हैं, तीन शॉट में गाइस हो गया, पॉडल अब नहीं जिंदा रही और पॉडल भी मर चुकी है, ठीक है। तो फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो लास्ट सर्वाइवर जो अपने बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बचे हैं पिटबुल एंड हस्की। तो अभी दोस्तों इन दोनों में फाइट होगी और जो इनमें से जीतेगा उनकी बेसब्री से भयंकर यहाँ पर हस्की ने गाइस पिटबुल पर अटैक कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो लैब्राडोर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खून कच्चर हो चुका है वहाँ पर भी। और बारी बारी से मैं आप लोग को एक बार डॉग दिखा देता हूँ, हस्की तो भाई पिटबुल को छोड़ ही नहीं रहा है, कंटिन्यूस काउंटर अटैक पर काउंटर अटैक लगातार मारे ही जा रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोग देख पा रहे हो ये रहा गाइस बहुत ज़्यादा खून खराब हो चुका है यहाँ पर, डॉक्टर वेटनरी अपने जो डीके हैं रॉटविलर भी हार चुका है, वेस्टी भी हार चुका है, साथ में दोस्तों अपना जो है पॉडल वो भी हार चुका है और ये रहा पग, साथ में गाइस हमारा जो लास्ट अटैक था वो भी दोस्तों अपने हस्की ने बता दिया है। तो फाइनली गाइस विनर है अपना हस्की और हस्की की कल फाइट होने वाली है अपने सुल्तान के साथ हल्क पिटबुल के साथ। तो गाइस कल की जो फाइट मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लव यू ऑल एंड बाय बाय।